गोवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरे का दूसरा दिन आज मंगेश टेम्पल में की पूजा अर्चना। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जीता अपना पहला मैच, इजरायल की केसिया पेलिकारपोवा को हराया। महाराष्ट्र के 10 जिलों में बाढ़ का कहर, एनडीआरएफ की 34 टीमें तैनात, राहत बचाव कार्य जारी। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का अम्बेडकर नगर दौरा आज, कई बड़े ब्राह्मण चेहरे आज बसपा में होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर नए म्यूटेशन ने वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ सप्ताह में अमेरिका के अंदर कोरोना के नए मामले मिले और उन सभी में वायरस का डेल्टा 3 वेरिएंट मिला है, जो डेल्टा की तुलना में न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी फिर से संक्रमण की चपेट में ला सकता है। आपको बता दें कि भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इंसाकॉग समिति ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था, जिससे डेल्टा और कप्पा वेरिएंट बाहर आए थे। इसके बाद डेल्टा वेरिएंट से डेल्टा प्लस और AY2 नामक 2 और वेरिएंट मिले, लेकिन इनके अधिक मामले सामने नहीं आए हैं। और अब डेल्टा 3 नामक वेरिएंट सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिला है। भारत में अभी तक एक भी केस इसका सामने नहीं आया। तो कोरोना के नए नए वेरिएंट्स ने वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था, जिससे डेल्टा और कप्पा वेरिएंट बाहर आए थे। और इसके बाद डेल्टा वेरिएंट से डेल्टा प्लस और AY2 नामक 2 और वेरिएंट भी मिले, लेकिन इनके अधिक मामले अभी तक सामने नहीं आए। वहीं अब एक और डेल्टा 3 नामक वेरिएंट सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिला है, लेकिन भारत में अभी तक इसका एक भी केस सामने नहीं आया। तो जिस तरह से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा, उसके बाद कई तरह के म्यूटेंट उसके सामने आए हैं, जिससे लोग भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। और बात करें अगर वैज्ञानिकों की, तो उनमें भी इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता है। आपको बता दें कि कुछ हफ्ते में अमेरिका के अंदर कोरोना के नए नए मामले सामने आए और उन सभी में वायरस का डेल्टा 3 वेरिएंट भी मिला है, जो डेल्टा की तुलना में न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी फिर से संक्रमण की चपेट में ला सकता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इंसाकॉग समिति ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था, जिससे डेल्टा और कप्पा वेरिएंट बाहर आए थे। और इसके बाद डेल्टा वेरिएंट से डेल्टा प्लस और AY2 नामक 2 वेरिएंट मिले, लेकिन इनके अधिक मामले सामने नहीं आए। और अब एक और डेल्टा 3 नाम का वेरिएंट सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिला है। वहीं भारत की बात की जाए तो अभी तक इसका एक भी केस सामने नहीं आया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। हालांकि फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। आज सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सुरक्षा बलों के घेरे में आतंकियों के घिरे होने की सूचना है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके ये बताया है कि इस ऑपरेशन में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। एक आतंकी को मार गिराया गया है, जिसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं मेरठ बिजनौर किसान ट्रैक्टर यात्रा आज गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रही है। हाईकमान ने यात्रा को बेगमपुल से वाया कंकरखेड़ा NN58 से निकालने को कहा है। वहीं किसान यात्रा को शहर के अंदर से दिल्ली रोड होते हुए निकालने पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। देर रात तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो सका। अविभाज्य युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत का ये कहना है कि यात्रा किस रोड से निकाली जाएगी, इस बारे में आज फैसला लिया जाएगा। वहीं बिजनौर से चली किसान ट्रैक्टर यात्रा शनिवार शाम करीब 6:45 बजे बहसूमा कस्बे के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंच गई। यहीं पर रात्रि पड़ाव होगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से यात्रा के साथ भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत पहुंचे, वहीं भाकियू जिला संगठन नेताओं ने यह दावा भी किया है कि मेरठ से 300 ट्रैक्टर और 100 से ज्यादा कारों का काफिला ले जाया जाएगा। निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी का ये कहना है कि किसानों में गाजीपुर बॉर्डर चलने के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और प्रदर्शन करने के लिए भी वो लगातार अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आज गाजीपुर बॉर्डर से किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालने वाले हैं और लगातार सरकार से भी ये मांग की जा रही है कि जो 3 कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। इसको लेकर पूरी जानकारी में आपको बता दें कि हाई कमान ने यात्रा को बेगमपुल से वाया कंकरखेड़ा NN 58 से निकालने को कहा है। वहीं किसान यात्रा को शहर के अंदर से दिल्ली रोड होते हुए निकालने पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। देर रात तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं भाकियू युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत का ये कहना है कि यात्रा किस रोड से निकाली जाएगी इस बारे में आज फैसला लिया जाएगा। साथ ही बिजनौर से चली किसान ट्रैक्टर यात्रा शनिवार शाम करीब 6:45 बजे बैसुमा कस्बे के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची और यात्रा के साथ भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत भी वहां मौजूद रहे। भाकियू जिला संगठन नेताओं ने यह दावा किया कि मेरठ से 300 ट्रैक्टर और 100 से ज्यादा कारों का काफिला ले जाया जाएगा। और निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी ने इस बारे में बोला कि किसानों में गाजीपुर बॉर्डर चलने के लिए भारी उत्साह देखने को मिला है। रुक करते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पुणे और कोंकण संभाग में पिछले 3 दिन से भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 112 पहुंच गई है। मृतकों में सबसे अधिक रायगढ़ जिले के 52 लोग शामिल हैं। राज्य में कम से कम 1,35,313 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले के 78,111 और कोल्हापुर जिले में 40,882 लोग शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि महाराष्ट्र में बारिश भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के जेईई मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक और मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे और कोंकण संभाग में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ भी आई, इससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं भूस्खलन की बात की जाए तो इसके चलते मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 112 पहुंच गई है। मृतकों में सबसे अधिक रायगढ़ जिले के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि इनकी संख्या करीब 52 है। वहीं राज्य में कम से कम 1,35,313 लोग को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले के 78,111 और कोल्हापुर जिले में 40,882 लोग शामिल हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह बताया है कि महाराष्ट्र में बारिश भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के जेईई मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक और मौका मिलेगा। वहीं यूपी के मथुरा जिले में लगभग 3 महीने तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। मथुरा जिला प्रशासन ने अगस्त और सितंबर के महीने में आने वाले कई त्योहारों और परीक्षाओं के आयोजन के मद्देनजर धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके चलते अब कोई भी व्यक्ति, संगठन और संस्था बिना सरकारी अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार का ऐसा सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकेंगे जिसमें 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की संभावना हो। तो आपको बता दें कि 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसी के चलते अब कोई भी व्यक्ति, संगठन या फिर संस्था बिना सरकारी अनुमति के किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं कर सकेगा और ऐसा आयोजन जो सार्वजनिक तौर पर होगा और इसमें 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना जताई जा रही है। मथुरा का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर आज से शुरू हो रहा है। पवित्र महीने श्रावण के लिए पूरी तरह से ये मंदिर तैयार है। मंदिर में कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस अवधि के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि बिना मास्क पहने किसी भी भक्त को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मथुरा का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर आज से शुरू हो रहे पवित्र महीने श्रावण के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि मंदिर में कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस अवधि के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है और इस मामले को लेकर अधिकारियों का ये कहना है कि बिना मास्क पहने किसी भी भक्त को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों सहित पश्चिमी तट पर तेज बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में भारी बारिश ने कई लोगों की जान ले ली है और कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कई अन्य राज्यों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी जारी हो गया है और मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने जा रही हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों सहित पश्चिमी तट पर तेज बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में भारी बारिश ने कई लोगों की जान ले ली है और कई इलाके पूरी तरह से डूब गए, जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कई अन्य राज्यों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बुलंदशहर में एक पोस्टमैन का नशे की हालत में वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ड्यूटी पर होने के बावजूद पोस्टमैन नशे में धुत था। कोतवाली खुर्जा नगर के मेन गेट पर नशे की हालत में लेटा पोस्टमैन योगेश कुमार, इसके पास सरकारी डाक जो सड़क पर इधर उधर पड़ी है। इतनी महत्वपूर्ण सरकारी डाक अगर गायब हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बता दें कि घंटों कोतवाली गेट पर लेटे पोस्टमैन नशे में होने के बावजूद भी किसी भी पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना डाक अधीक्षक को नहीं दी। वहीं आला अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया है, जिसके बाद आश्वासन और कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया गया है। तो नशे की हालत में पोस्टमैन का ये वीडियो बुलंदशहर में लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कोतवाली खुर्जानगर के मेन गेट पर नशे की हालत में लेटा पोस्टमैन योगेश कुमार और इसके पास सरकारी डाक जो सड़क पर इधर उधर पड़े हुए हैं। इतने अहम सरकारी डाक अगर गायब हो जाते हैं तो इस बात पर सवाल उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं आपको बता दें कि घंटों कोतवाली गेट पर लेटे पोस्टमैन नशे में होने के बावजूद भी किसी भी पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना डाक अधीक्षक को नहीं दी। वहीं आला अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया है, जिसके बाद आश्वासन और कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ताजनगरी आगरा में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। अज्ञात लोगों ने 3 साल की मासूम की बलि देकर हत्या कर दी। सभी ने जंगल में पहुंचकर बच्चे के साथ तंत्र मंत्र किया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गहरे गड्ढे से मासूम बच्चे को मृत अवस्था में बाहर निकाला और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो खबर ये आगरा से है, जहां पर अज्ञात लोगों ने 3 साल के मासूम बच्चे की बलि दे दी। आपको बता दें कि सभी ने जंगल में पहुंचकर बच्चे के साथ तंत्र मंत्र की क्रिया की है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गहरे गड्ढे से मासूम बच्चे को मृत अवस्था में बाहर निकाला है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजीपुर में नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर से 30 जुलाई को करेंगे। वहीं भवन निर्माण कार्य में जुटी कार्यदायी संस्था शेष कार्यों को पूरा करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी MP सिंह ने नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। तो गाजीपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर से 30 जुलाई को करने वाले हैं। भवन निर्माण कार्य में जुटी कार्यदायी संस्था शेष कार्यों को पूरा करने में लगातार जुटी है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी MP सिंह ने नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।